और आज ये बिल्कुल सही बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी का फितरत ही ऐसा है। मैंने चोरी और सिनाजोरी और अपने तरफ से कुछ लोगों का बयान भी आ रहा है इसमें कि वो अपने उनके विधायक लोगों को ऐसे भाई अभी तो कहा गया है यहां पर कि देने वाला कौन, लेने वाला को तो आपने पकड़ लिया, देने वाला को भी पकड़ना होगा और पकड़ करके उसको आपको इस बात को आपके माध्यम से पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत है। आज अगर कहा जाए कि जो भी हमारे पार्टी के विधायक इस तरह के क्रियाकलाप में इन्वॉल्व है, ये जनभावनाओं के साथ में खिलवाड़ हुआ है, मतदाताओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अविलंब इस पर चीजों को गंभीरता से लेते हुए जो कार्रवाई किया है, और मैं तो आपके माध्यम से कहना यह भी चाहूंगा अगर कोई भी विधायक किसी तरह का इस तरह का इन्वॉल्व है तो पार्टी को और भी कार्रवाई करने पर विचार करनी चाहिए। आखिरी में मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी गैर भाजपाई सरकार है उसको अस्थिर करने के लिए और कर रही है, महाराष्ट्र देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, ये आप लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। आज लोकतंत्र सचमुच में खतरे में है और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग भी कभी कभी बैठ करके बेमतलब का बयान बहस करते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं कांग्रेस वाला ऐसा किया कांग्रेस, लेकिन ये सारा जनता जान रही है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी इस कुकर्म को की है। मैं दावे के साथ कहता हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी जरूर लेने देने वाली बात, आज से बात चल रही है, कभी बोल रहा है कोई ठोकन ले रहा है, कोई बोल रहा है कोई ठोकन ले रहा है, इसलिए ये जांच पूरे गहराई तक जानी चाहिए। और लेने वाले को आपने तो देने वाला पर हमारा पार्टी के पार्टी से उनको उनके साथ कार्रवाई की गई, देने वाला को भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इस देश में हम लोकतंत्र को सही सलामत रख सकते हैं।